अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ सब फिट फाट होंगे। सो ये आज हम एक रोड तैयार कर रहे हैं, इसमें हमारा अर्थवर्क मिट्टी का जो काम है वो ऑलमोस्ट इसकी फाइनल लेयर है। इसके बाद हम इसमें सब बेस और एग्रीगर बेस डाल के इसके ऊपर प्राइम कोड करके इस्फाल्ट करेंगे। तो ये सब ग्रेड टॉप की रीच है, तो इसकी अभी ग्रेडिंग एक साइड पे चल रही है, जिधर ग्रेडिंग इसकी मुकम्मल हो रही है साथ पीछे उसकी हमने प्लेन रोलिंग उसकी स्टार्ट की हुई है और शीफर्ड रोलिंग भी इसकी पहले की थी। उसके बाद इसकी ऊपर से हमने लेवल ड्रेस करके ग्रेडर से, तो अभी ये प्लेन रोलर के साथ इसकी कंपैक्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास इधर जो सब ग्रेड टॉप की जो लेयर है इसमें हम 95% जो है इसकी कंपैक्शन लेते हैं मॉडिफाइड। तो अभी इसके बाद इसके हम लेवल चेक करेंगे, लेवल चेक करने के बाद इसके ऊपर FDT टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट के बाद हमें इसका पता चल जाएगा कि क्या ये अपनी रिक्वायर्ड जो कंपैक्शन है वो अचीव कर रही है या नहीं। मॉइस्चर कंटेंट तो इसमें पूरा लग रहा है, विजुअली ऊपर वॉकिंग से भी हमें पता चल जाता है इंस्पेक्शन के दौरान कि इसमें मॉइस्चर ठीक है। और तो रेडी हो तो फिर हम उसको आगे सर्वे के लिए और लैब टेस्ट के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। एक साइड पे हमारा ये ग्रेडर चल रहा है, तो ग्रेडर से पहले इस पर पानी लगा के हमने मिट्टी के ऊपर पानी लगाया और पानी लगा के ऊपर शीफर रोलिंग की हुई है। ये आपको पैड नज़र आ रहे होंगे शीफ। तो अभी इसकी हम लेवलिंग ग्रेडिंग करेंगे ग्रेडर के साथ मशीन के साथ। तो ग्रेडिंग के साथ साथ पीछे इसकी रोलिंग हो जाएगी। तो ये एक साइड में हमारी रोलिंग हो रही है और ये दूसरी साइड पे शीफर रोलर चला हुआ है, तो इस पर हमारा ग्रेडर चलेगा अभी। तो ग्रेडर इसको करके कैरेजवे वाला पोर्शन इसको ग्रेड करके इसके ऊपर मज़ीद हम कंपैक्शन करेंगे। ये ग्रेडिंग हो रही है साथ साथ, इसमें थोड़े बहुत ही जो एक से दो तीन इंच की जो कट फिल के लेवल होते हैं वो ये ग्रेडर जो है कैटरपिलर का इसको एडजस्ट कर लेता है। ये देखें किस तरह एक प्लेन लेवल में पूरा ब्लेड 14 फुट का। ये एक और रोड हम बना रहे हैं, तो इसकी बैक व्यू पे एयरपोर्ट पास है, तो ये PIA का जो एरोप्लेन है वो भी लैंडिंग के लिए रेडी हो रहा है, जा रहा है। सो ये एक और हमारी रोड तैयार हो रही है, इसमें हम ग्रेडिंग कर रहे हैं ग्रेडर से। इसके साथ हमने ग्रेडिंग से पहले इस पर पानी लगा के, क्योंकि नीचे मॉइस्चर नहीं था तो पानी लगा के इसको प्लो कर रहे हैं। तो प्लो करने के बाद इसको लेवल करेंगे, लेवल के बाद इस पर शीफर रोलिंग करेंगे, प्लेन रोलिंग करेंगे और फिर फाइनल सफाई लगा के इसके लेवल रेड करेंगे और फिर FDT लगेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।